साढ़े बच्चे बड़ा बुरा किया। पहला धमके दें हूं इन्हें कि मारने तो इंगे किया जादू कह वास्ते किया। अस उस दिन दे रोटी खाना पीना भुली गए जिस दिन तो इन्हें किते दा काम। पहले करदूती पहले मूह कने बोलते हे हूँ इन्हें लेकर करदूती मार की साढ़े कने बड़ी बड़ी। अहें सोचे दा भी नहीं कि ऐसा काम ये साढ़े बैठे पर सन्नी पर करन गए। यह ससुराल सन्नी का ससुराल वाले किया। सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जो वीरपुर का मैंने एक जादू का एक षड्यंत्र जो वहाँ पर चल रहा था वो आप लोगों के सामने शेयर किया था। जिस शख्स का नाम सनी मेहरा था आज मेरे साथ बैठे हुए, इन्हीं की जवानी सुनते हैं कि आखिर ये जादू करने वाला कौन था और इस जादू में कौन कौन लोग शामिल थे और कौन सा परिवार शामिल था। आए तफसील से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि ये वो शख्स है जिसके ऊपर जादू हुआ था। जो मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को वीडियो जो है वो एक कब्रिस्तान के अंदर जादू करता हुआ पकड़ा गया और तमाम लोगों ने वहाँ पर हमें बुलाया और हमने वीडियो कवर की और इनके घर तक जो है वो वीडियो पहुँची। इन्होंने आज मुनासिब समझा, हमारी मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान हमने भी मुनासिब समझा कि क्योंकि आप लोगों के सामने भी जो बातें हैं वो शेयर की जाएँ कि आखिर असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। मुझे बताएं ये कौन लोग थे जिन्होंने जादू किया था? आप भी जानते होंगे कौन लोग हैं जो आपके इतनी पीछे पड़े हुए हैं। सर आपने उसमें देखा ही कि नेहा डोगरा नाम लिया है तो वो मेरी वाइफ है। अच्छा। तो जो कि मेरे साथ सेटल होने के लिए रेडी नहीं थी बहुत टाइम पहले से ही। वो चाहती थी कि क्या रीज़न है ये मुझे नहीं मालूम, पर वो यहाँ पर हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी। अच्छा। तो उन्होंने बहुत सारा डिमांड रखा, हमें मेरे खिलाफ बहुत सारे केसेस लगाए हैं और वहाँ पे डिमांड रखा है 10-12 लाख रुपए का वो चाहते हैं इतने पैसे, क्योंकि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ तो मैं इतने पैसे एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तलाक दे नहीं पाया। अच्छा। क्योंकि उनके डिमांड थे तलाक लेने के। मैं तो उसको बहुत बार बोला कि मेरा बेटा भी है, उसका फ्यूचर है तो उसके फ्यूचर का मतलब उसको देखना चाहिए हमें कि अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो सारा जो वो बच्चा फेस करेगा तो उसका फ्यूचर ख़राब होगा उस। बट लेकिन वो मतलब उन्होंने कुछ ऐसा कि उनको पैसा चाहिए था सिर्फ, और उन्होंने डिमांड रखा 10-12 लाख रुपया उनको चाहिए, तो तलाक भी चाहिए, बच्चा भी रखना है, सब कुछ। अच्छा। तो वही अब मैं मान नहीं रहा था कि नहीं ऐसा ये तलाक वगैरह ठीक नहीं है, तो फिर उन्होंने यही षड्यंत्र किया। अब ऐसे वैसे मतलब ऐसे भी बहुत सारी धमकियाँ भी देते हैं मेरे को कभी कभी। ऐसे उसका भाई जो है वो मतलब ऐसे गुस्से से देखेगा, जहाँ भी मिलेगा कोर्ट में भी मिलेगा तो धमकियाँ भी देंगे कि ऐसा वैसा तुम्हारे घर में ऐसा कर देंगे हम। अच्छा। हाँ कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ मेरे पास एक रिकॉर्डिंग है जो लगभग 12 लोग हमारे घर में आए थे तो हमारे पे हमला करने किया उन्होंने, तो उस वक्त हमने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था जाते जाते उनके, तो वो लेकिन हमने आगे बहुत कंप्लेंट भी करवाया उस चीज़ का, बट उस टाइम पे किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो शायद उन्होंने कुछ क्या किया था, पैसा वैसा खिला के जो भी वो मामला। जब भी आपकी फ़ोन कॉल पे बात होती है तो किस तरीके की धमकी आती हैं, पैसों की मांग की जाती है या और किसी तरीके की बातचीत होती है? सर जब भी अगर हम फ़ोन करते हैं तो वो हमें बस धमकियाँ ही देते हैं कि कुछ उल्टा सीधा कर देंगे या तो, और डिमांड करते हैं कि हमें नहीं रहना आपके पास में और हमें हमारी डिमांड पूरी कर दो, हम वरना 3-4 केस लगे हैं, आप ऐसे ही रहोगे तो 10-12 लाख रुपया हमें दे दो तो हम जो है तलाक दे देंगे आपको और ख़त्म कर देंगे। ये मतलब वो बात को जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, वरना उनकी मांग पे पैसे भी लेना चाहते हैं। जी वो पैसा भी चाहते हैं और डिवोर्स भी चाहते हैं। तो ये जादू टूना करवाने वाले भी वही थे? हाँ ये उन्होंने ही करवाया। आपने देखा कि उसमें साफ बोला था कि या तो ये तलाक दे दे या तो ये पागल हो जाए, तो इससे फ़ायदा किसको होगा? तलाक किसको मिलेगा और पागल होने पे भी मेरी वाइफ को ही मिलेगा और उसके जो मेरे ससुराल वाले हैं उसके उसकी मदर उसके भाई है उसका उसके पापा हैं, तो वो उन्हीं को फ़ायदा था क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारे घर से जो चोरी करके भी लेके गए हैं। अच्छा। जो सारा सामान काफ़ी गहने वगैरह जो भी हमने मेरे पेरेंट्स ने डाले थे उसको वो सब चोरी करके लेके गए हैं, और उनको पता है कि अगर अगर ये पागल हो जाएगा तो बच्चा भी मिल जाएगा, तलाक भी मिल जाएगा और जो जो भी हमारा सामान है वो भी हमें वापस नहीं मिलेगा, तो उससे उनको फायदा। यो फील किया कि साढ़े बच्चे बड़ा बुरा किया।
पहला धमके देंदे ही मुनी ने कि मारने ताईं गै कीता जादू कहने वास्ते कीता। अस उस दिन दे रोटी खाना पीना भुली गए हैं जिस दिन इन्हें ये कीते दा काम। पहले करदूती पहले मुँह कन्ने बोलते हे हूँ इन्हें लेकर करदूती मार कीती है साढ़े कन्ने बड़ी बड़ी। असें सोचे दा भी नहीं कि ऐसा काम ये साढ़े बैठे पर सन्नी पर करनगे। ये ससुराल सन्नी दा ससुराल वाले कीता। उल्टी सीधी गल्लां लोकें के सनेह भेज दिया कदे आदि चेली ही। असें सोचा मिगी जादूगर मैं हुण भगवान ने जादूगर बनाया मैं तो नहीं बनाया जादू। लेकिन एक करते हे पहला भी तबीत बूत घर च लियांदे हे बड़े बड़े मैं फड़े तबीत इतों रुमाल भी डिगी पेदा हा इहदे कोला गंदा। फिर उस तबीत बन्ने रहे भी फड़े मैं मैं इंदे डैडी दस्या मैं तवीत निकले ने मैं नेहा डिगी पे देना किन्ने बड़े तवीत आँदी ही आँदी ही सियाना भी अकल आँदी ही अकलपुर का साढ़े घर पहला भी अस इन्नी मतलब कि सानू बड़ा फील होंदा कि की आंदा वो सियाना साढ़े घर। तो हूँ इन्हें होर कम इन्हें यह कोई होर जादूगर तुप्पी लिया। वो गंगयाल भी जादूगर गए लियादे हे सन्नी ने दो बार दिखाया है लेकिन जिस ने दिखता हा उस रानी घर बीमार हो जाता जिसन भी यह दिखता हाँ मेरा भरा ली आता हाँ जादूगर की गलियों च फेरता हा। सन्नी ने दो बार दिखाया सन्नी की गै नज़र पई फिर उस तो बाद बीमार हो जाता हाँ चाहे नौकरी छुड़ी जी चाहे बीमार हो जाता हाँ। बड़े बड़े हादसे हूँ भी सी खून ब्लड की उल्टी हुई है छः सत्त दिन पहले ये करने तो पहले मतलब सानू क्या पता कदों करा रहे ये करने से पहले अभी ब्लड की उल्टी हुई है अं सोचते हैं डॉक्टर नुकसा से दवाइया तो लाते रहे जल्द असली सामने आई तो फिर सानू पता चले कि सन्नी पर वार की पता है कुछ बच्चा है उसके साथ आपकी मुलाकात होती है। सर बात यह है कि कोर्ट में हमें थोड़ा परमिशन मिला था कि बच्चे को कोर्ट में ही लाया जाए तो उसे मिलने के लिए। तो फर्स्ट टाइम जब मैं मिला बच्चे से तो बहुत अच्छे से वो बहुत खुशी खुशी से मेरे पास आया और वो ऐसा भी बोला कि मैं कल भी आऊँगा आपके पास मिलने के लिए। और मैंने उसको उसके लिए खाने के लिए जो भी लेके गया था उसने बहुत अच्छे से खाया उसने जूस वगैरह। तो लेकिन क्या हुआ कि जो नेक्स्ट डेट थी जब वो आया तो वो मेरे पास आने से घबरा गया एकदम डर लगने लग गया उसको मेरे को। उन्होंने पता नहीं क्या किया उसको क्या उसको पढ़ाया क्या उसके ऊपर भी कोई जादू टोना किया होगा या कुछ किया होगा तो वो बच्चा मेरे पास आने के लिए मना कर दिया उसने। दो एक बार मिला सिर्फ दूसरी बार मिला नहीं तीसरी बार आने से बिल्कुल रोने ही लग गया वो बोला मेरे को नहीं जाना। तो ऐसा मतलब बच्चे से और अगर मैं नॉर्मली उनको रिक्वेस्ट भी करूँ तो वो मेरे को मिलने नहीं देते जबकि मेरा ही बेटा है वो मेरे से ही मिलने नहीं दिया जा रहा उसको। ये मैं स्टोरी आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ उस सनी मेहरा की जिस सनी मेहरा के ऊपर जादू हुआ था आप लोगों के सामने दिया। तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों ने अलग अलग खितों से देखा कि आखिर ये वीडियो कौन सी है जहाँ पर जादू हुआ है। ये वो सनी मेहरा है जिनके ऊपर जादू हुआ था। तमाम बातें इन्होंने हमारे सामने भी जो है वो शेयर की और हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों के सामने जो है वो सच लाया जाए और असलियत जो है वो लाई जाए। हम इनकी फैमिली के साथ और भी कई लोग होते हैं आप जानते हैं कि माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना और बच्चे को कहीं सेटल करना और बच्चे की शादी की खुशियाँ इन्होंने शायद इनके पेरेंट्स ने नहीं देख पाए क्योंकि ऐसा इसी तरीके से जो है वो रिलेशन ख़राब हो जाना वो तमाम बातें जो है वो शोभा नहीं देती। शायद इनका कहना है कि हमारे बच्चे के साथ भी हमारी मुलाकात नहीं होती। आपको इस वीडियो के ज़रिए देखें क्या गुजारिश करोगे? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि देख आपने देखा ही है वो लोग क्या क्या किस हद तक पहुँचे हैं। तो अभी क्या है कि वैसे तो मैं इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करता हूँ बट फिर भी कहीं कहीं अगर ये एग्जिस्ट करती हैं तो आने वाले टाइम में अगर मेरे पे कुछ भी इसका प्रभाव पड़ता है या कुछ भी होता है तो उसके ज़िम्मेवार कौन होगा? वो जिन्होंने करवाया है मेरी वाइफ नेहा डोगरा और उसके पेरेंट्स जो है उन्होंने ही करवाया है तो वही रिस्पॉन्सिबल होंगे इस सब चीज़ के अगर मेरे को कुछ भी होता है। तो इसके अलावा वो और भी धमकियाँ देते हैं ऐसे रास्ते में भी अगर कहीं गलती से भी मिल जाए तो इस तरह से देखेंगे जैसे कि मतलब उसी टाइम वो मार देंगे मेरे को। तो आने वाले टाइम में थोड़ा ऐसा डर सा एक होता है कि डर लग जाता है इंसान को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो वो उनको ही सज़ा दी जाए। ये तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। जब माँ के साथ बात की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब बच्चे के लिए इतना एक षड्यंत्र जो है जाने के मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि जादू एक तीसरे गांव में जाकर जो है उसके नाम के जो है वो जादू किए जा रहे थे।
तो शायद माँ के साथ मेरी फ़ोन कॉल पे भी बात हुई, तो मैंने कहीं ना कहीं सोचा कि इनके घर पे जाके जो है वो मुलाकात की जाए। आज जब माँ के साथ बात की तो खा आप भी सुनोगे इस वीडियो के ज़रिए कि माँ के दिल में क्या गुजर रही है, बच्चे के ऊपर जो है वो जादू किया जा रहा है। तमाम बातें आप लोगों के सामने क्लियर हुई कि अगर कोई भी नुकसान जो है वो सनी मेहरा को पहुंचता है, जहाँ सनी मेहरा की फैमिली को पहुंचता है, तो जिम्मेवार वो लोग होंगे जिन्होंने जादू किया है। वो तमाम बातें आप लोगों के सामने क्लियर कर दी हैं। फिलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें।